कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को गलत बताया। राहुल गांधी ने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय के लोगों के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। एक व्यक्ति ने जब उनसे पूछा कि आप नोटबंदी कैसे लागू करते, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो नोटबंदी के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। If I was prime minister and someone had given me a file with demonetization written on it, I would have thrown it in the dustbin. That's how I would have rolled it out. I would roll it out in a dustbin and out through the door and into the junkyard, because that's what I think should have been done with demonetization. विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के फैसले पर सवाल उठाया तो बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर पलटवार शुरू कर दिया। राहुल गांधी तो बहुत सारी चीजों को फाड़ देते हैं और इसलिए जनता उनकी अपील को फाड़ करके फेंक देती है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का सफाया करके आते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव मानसिकता के साथ राहुल गांधी कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी को स्वयं देखना चाहिए कि क्यों एक एक करके सफाया हो रहा। हिमाचल गए, मेघालय चले गए, अन्य प्रदेशों से भी उनके सफाया हो रहा है, कर्नाटक जाने वाले हैं, तो राहुल गांधी को इसके बारे में सोचना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन के बारे में, कालाधन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में राहुल गांधी का और उनके पार्टी का और उनका बाकी लोगों का क्या रवैया है दुनिया जानती है। इसलिए इंदिरा जी के जमाने से राहुल गांधी के जमाने तक उन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। सारा दुनिया, हिंदुस्तान में विशेष, लोग सोचते हैं कि